दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय और इस समय में खास मुलाकात इस प्रोग्राम में आज के हमारे मेहमान हैं इनबीसीएन न्यूज चैनल के संचालक सिराज भाई शेख और साथ ही साथ हमारे ज्येष्ठ संवाददाता रत्नाकर मुल्क है। और खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हम अलग अलग विषयों को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों आपको थोड़ा उस एक बात की ओर ले जाता हूं कि भारत में किस तरह से ये कोरोना वायरस पनप रहा है। और अब तक के मैं बता दूं कि 1190 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां 29 लोगों की मौत हो चुकी है और 102 लोग जो है वे निगेटिव पाए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। आंकड़े जो है धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की मैं बात करना चाहूँ तो 215 लोग अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जहां नागपुर की बात है तो नागपुर में 14 थे, अभी बढ़ के 2 आंकड़ा और भी बढ़ चुके हैं। अब टोटल नागपुर में 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ये थे अब तक के अपडेट्स। अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगा आज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। आज का जो हमारा मुख्य विषय है दिहाड़ी कामगार और दिहाड़ी कामगारों की मदद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि दर्शकों मैं बता दूं जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किया है कि सर ने हाल ही में मुख्यमंत्री का एक जो निधि का जो कोष होता है उसके अंदर में 11 लाख रुपए का एक उन्होंने चेक दिया है। यह सबसे अच्छी बात है और उन लोगों के लिए दिया है जो जरूरतमंद है। रत्नाकर जी आप क्या कहना चाहोगे? सचमुच में जहां आज देश को जरूरत है, हमारे महाराष्ट्र को इस वक्त सहायता की जरूरत है। सरकार ने आग्रह किया था और सिराज सरकार में फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा और बता दूं दर्शकों को कि ये जो चेक है सर ने अपने पर्सनल अकाउंट से यह सहायता की है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिराज सर क्या कहना चाहेंगे जो माहौल इस वक्त है? मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो दिहाड़ी मजदूर के जो भाई ने बात बोली है जी, क्योंकि आज देखो कि हिंदुस्तान की जनसंख्या आपको पता है 1,37,00,000 है जी, 137 करोड़ है। तो उसके बाद में आज मजदूरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आज मेरे ख्याल से 25-30% लेबर लोग काम करते ही है जी। जिस टाइप से इंडिया में या भारत देश में हमारी जो ट्रेन चलती है, ट्रेन रुक जाए तो पूरा साम्राज्य रुक जाता है जी, बिल्कुल। जिस टाइप से हमारे फ्लाइट रुक गई है, बसेस रुक गई है, तो उस चीज़ से पूरा रुक गया है, वैसे लेबर भी होता है। अगर लेबर काम पे नहीं आएंगे तो पूरा इंडिया रुक जाता है जी। चाहे लेबर बोलो तो लेबर की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह सामान उठाने के लिए, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे अनाज मार्केट हो, या कंस्ट्रक्शन लाइन हो, या और भी है, बिना लेबर के चलती नहीं। थोड़ा सा लेबर को समझने में या समझाने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि उनकी सोच और हम लोगों की सोच में बहुत फर्क पड़ जाता है। आज गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया कि जो इंसान जहाँ है वहीं रुको, उनको सुविधा है और डेफिनेटली उनको सुविधा है। आप दिल्ली की दिल्ली में है, मुंबई वाले मुंबई में कर रहे हैं, हर दिहाड़ी मजदूर की सुविधा कोई ना कोई संस्था आगे बढ़ के कर ही रही है। उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रहा है और गवर्नमेंट भी, यानी गवर्नमेंट की बात ही करें, अब बहुत अलग अलग तरीके के लोग सब लोग खाना बांट रही है, कर रहे हो ही रहा है। कोई भूखा तो नहीं सो रहा, लेकिन कैसे आज वो लोग नहीं रह गए, वो भी एक अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी आधी जान इधर लगी और आधी जान घर पे लगी है। एक 21 दिन का लॉक पीरियड वो तो बहुत बड़ा होता है, समझ के बाहर उधर नहीं जाएंगे तो उनके बीवी बच्चे घर में अकेले हैं, उनके भी क्या हाल चल रहे हैं, बीवी बोलती है कि आप आ जाओ, तो कहीं ना कहीं उनको भी जाना जरूरी है। अब एक चला तो सब चले, कोई पैदल निकल रहा, कोई गाड़ी से निकल रहे, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि जो छोटे गाँव है, अपन आप बालाघाट छठ के छोटे छोटे गाँव देख लो, जो जंगली जंगल के एरिया में 100 मकान, 50 मकान, 25 मकान, और इन गांव से नागपुर के जैसे शहरों के ऊपर आने वाले लोग भी गांव भी लॉक कर दिए, यानी वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने ये कैसा है कि अंधविश्वास ज्यादा रहते, छोटा छोटे की बीमारी इसको ज्यादा समझ रहे लोग गाँव वाले, तो वो लोग ने उधर भी बहुत जगह गाँव बंद कर दिए, मतलब गाँव में आने शहर से आया हुआ व्यक्ति ये समझ में आ रहा कि बीमारी साथ में लेके आया। और ठीक है, आज की कंडीशन में समझना भी जरूरी है, तो ऐसा ना कि कई लोग जा रहे हैं और वो घुस भी नहीं पा रहे, कुछ लोग गाँव में घुस पा रहे, कुछ लोग गाँव में घुस नहीं पा रहे। तो गांव में बोलता था, अभी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हर शहर में आपको जो सुविधा मिलेंगी, जो हॉस्पिटलिंग की सुविधा हो या तुम्हारे को सोशल वर्कर जो आपको खाना खिला रहे, अनाज दे रहे, तो आप जहाँ जिस जगह है फिलहाल स्थिति वही है कि उसी जगह रुकना चाहिए, आवाज जाओ किसी ने नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने, और सरकार ने भी बहुत सी जगह ऐसे ठिकाने रखे हुए हैं कि जैसे जहाँ पर जितने भी लोग बाहर में है, जो बेआसरा है,
जिनको अपने गांव जाने को नहीं मिल रहा है, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, सरकार ने कई ठिकाने ऐसे रखे हुए हैं जहां पर, और इनबीसीएन के माध्यम से वो ठिकानों को आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जहां पर खाने पीने की और रहने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। आपने बहुत सही कहा सर कि अगर यहां से कोई वो निकलता है, दिहाड़ी मजदूर निकलता है और उसको गांव के अंदर में अगर प्रवेश नहीं मिलता, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर लोग पैदल जा रहा है, उसके बाद में उसके गाँव वाले उसको नहीं आने दिए, एंट्री नहीं करने दिए, तो उसको भी तकलीफ बढ़ेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। शहर से आए व्यक्ति को सब लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, ये हकीकत है। और ये संयम की परीक्षा है, ये आपके जो दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आपके भी नजरों में अगर ऐसे कोई समाज के प्रति हमारा भी जो कोई उत्तरदायित्व होता है, तो आप ऐसे लोगों को समझाएं कि वे जहां है वही रहे, स्वस्थ रहे, जहां यथासंभव आपको लगता है आप उनकी मदद करें, उनको आप ये बता सकते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो नियरेस्ट प्लेस है जहां पर उनके लिए आसरा निवारा जो प्रशासन की ओर से किया गया वहां तक उनको ले जा सकते हैं। कई देश ऐसे हैं जी, मेरे ख्याल लगभग 200 देशों में बीमारी फैल गई है जी, कई देश ऐसे हैं कि जो सोचने में और डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाँ आज करेंगे कल करेंगे, अगर बंद कर दो हमारी इकोनॉमी गिर जाएंगी, हमारा देश डूब जाएगा, ये करेगा, लेकिन उस दिन भी प्रधानमंत्री ने बोले कि जान है तो जहाँ जान है तो जहाँ है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो है। कैसा है कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जल्दी ले ली, बहुत जल्दी ले, ठीक है, फिर भी आप इंडिया जिस टाइप की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आंकड़े बहुत कम है, कंट्रोल में है, बहुत अच्छी बात है। अब जिस देश में देखो कि पॉपुलेशन कम है उस देश में मरीजों की संख्या ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इनके डिसीजन लेने से कारण से हुई पार्टी होटल चालू रेस्टोरेंट चालू, क्योंकि बाहर घूमने से एक इंसान दूसरे से मिल रहा, एक रेस्टोरेंट वाला दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा, ये तरी तरीके से जो होती है सब बीमारियां फिर कहीं ना कहीं घूम घाम के घर ही आती है जी। अभी नागपुर की जो बात, नागपुर के जो मरीज आखिरी में जो पाए गए हैं उनके द्वारा कुछ डॉक्टर भी कंटेमिनेटेड हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये वजह थी कि सही समय पर उन्होंने अपनी बीमारी को डिस्क्लोज नहीं किया, कहीं ना कहीं संजय जी आप भी इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ है कि सही समय रहते अगर ये बात डिस्क्लोज हो जाती थी तो आज, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा यह है कि डॉक्टर जैसे नौ नौ डॉक्टर अगर नागपुर जैसे एरिया के अगर आइसोलेट उनको खुद ट्रीटमेंट के लिए बंद कर दिया जाना पड़ेगा तो मेडिकल कैसे। देखो हमने इंटरव्यू सुने थे उसमें क्लियर बोला गया था कि आपको कोई बुखार आता है कुछ भी आता है तो आप अपनी मर्जी से दवाई गोली मत खाओ, आप अपने जो हेल्पलाइन नंबर दिए उसको आप कॉल करो। लेकिन आज भी कैसा है कि छोटे मोटे लोग क्लिनिक में चले जाके अपनी दवाई ले ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन की या डायरेक्ट मेडिसिन में जाके दवाई ले ले रहे हैं, उस पर ये कर रहे हैं, क्योंकि आज वो टाइम पीरियड नहीं, हमें खुद को नहीं मालूम कि किसको क्या बीमारी है जी। तो थोड़ा सा अभी हेल्पलाइन की नंबर लेने का टाइम है, अभी ये टाइम नहीं कि आप कोई भी नुक्कड़ में अपने जो छोटे छोटे हॉस्पिटल रहते हैं जो गली क्लिनिक बोलते हैं उसकी भी हम लोग मदद लेके कर रहे हैं, तो ये टाइम आज का वो नहीं है। आज आपको खुद के साथ में अपने परिवार और अपने आजू बाजू के लोगों का भी ख्याल करना होगा और सही ट्रीटमेंट और सही वक्त पे लेना, ये बहुत अच्छा और समाज के प्रति एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। बिल्कुल, जहाँ आपने जब दिहाड़ी लोगों की जब बात की तो जैसे पैदल लोग आ रहे हैं साइकिल से आ रहे, अब तो एक कदम लोगों ने और भी बढ़ा दिया है कि बेंगलोर से, कल की बात है रत्नाकर जी, कि 150 दिहाड़ी कामगारों को एक बड़े ट्रक में ठूस ठूस कर ना सुनी की ओर ले जाया गया था, जहां बर्डी पुलिस ने उनको धर दबोचा, उनको उतार के उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें कोरा आप बता रहे हो कि ये तो ये चीज मैंने नहीं देखा लेकिन है सुना हो, मैंने तो यूपी बिहार की न्यूज में देखा हो, अपने नागपुर में नहीं देखा, लेकिन अगर 150 लोग को एक ट्रक में लेके आ रहे हैं, अगर गलती से एक को रह गया तो 150 को फैल जाएगा, वो 150 जाके गांव में कितनों को फैलाएंगे, कितनों को फैलाएंगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। यही चीज है कि इंसान जहां रुका है सबको रुकना पड़ेगा, सबके स्टॉप कहीं ना कहीं रुके हैं, हर किसी के, हमारे भी ऑफिस पूना में थे और भी दूसरी जगह थे, हमारे भी ऑफिस के एम्प्लॉई वहीं फटे, मतलब बेटा आपको 3 महीना रहना है वहीं रहना है, 1.5 महीना रहो, 2 महीने, जब तक गवर्नमेंट आपको बोलती है 21 दिन होते हैं या अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते आगे बढ़ सकता है, अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो 21 दिन में क्लोज हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा मजबूरन आगे बढ़ सकता है, आपने अभी जो आंकड़ों की बात की कि भारत में कहीं ना कहीं ये आंकड़े अभी कंट्रोल में है, तो इतनी पॉपुलेशन की कंट्रोल में नहीं है, आंकड़े बढ़ते हैं लेकिन आबादी के हिसाब से थोड़ा ये में, जैसे अब WHO की रिपोर्ट आप जी हाँ, हम रोज उसको मॉनिटर कर रहे हैं, अरे वहाँ पे क्वांटिटी में 500, 700, 200 एक एक दिन में बढ़े, तो वो इंडिया में वो कंडीशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की ओर से किए गए इनिशिएटिव और लोगों का भी उतना साथ है, लेकिन आज भी लोग हम देख रहे हैं कि गलियों कुचियों में बस्तियों में लोग अपने घर के सामने झुंड करके बैठने का चलन अब भी चल रहा है, तो ये कुछ नैतिक जिम्मेदारियां जो नागरिकों ने खुद होकर लेनी चाहिए, जहां प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है तो कुछ इनिशिएटिव खुद हम भी ले, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोकने में
बहुत आसानी होगी। शायद आपको पता नहीं होगा, पिछले एक हफ्ते में हम लोग ने ये सर्वे किया, पूरा पूरा लॉई दिखाया, हर गली गली का वीडियो लॉई दिखाया, लेकिन अब डिपार्टमेंट के पास भी हर पुलिस स्टेशन में कितने रहते कॉन्स्टेबल। जी हम, हमने पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट की थी, तो पुलिस वालों ने उन्होंने भी वो कर रहे, जाते तो सीधा गाड़ी जाती उनकी, हट जाते वो हर गली में एक एक पैराए पे देके खड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन दो मिनट के बाद में लोग वापस रोड पे आ जाते। ये स्थिति बहुत ज्यादा है और अभी शायद मेरे ख्याल से दिन में कम हुई है, लोगों को जब समझ में आ रहा है कि नहीं बीमारियां बढ़ रही है, लोगों को हो रहे, फिर वहाँ के भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग जाके बोल रहे कि भैया आप अंदर रहो, तो थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ा है। लेकिन इन्होंने डिपार्टमेंट का काम नहीं बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करने का टाइम है, अभी उनका काम बढ़ाने का टाइम नहीं है, हम जबरदस्ती उनका काम बढ़ाते हैं, उनको जबरदस्ती कॉल करके बोलते सर इधर ये घुस रहा है उधर वो घूम रहे, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। वो आज हमारी सेवा में लगे, वो हमारे को सेव करना चाहते हैं, हम बीमार में उसकी हमारी कोई चिंता है, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हम, ये हमारा मानस स्थिति की गंभीरता को हमको समझना होगा। और हर घर में एक एक वॉलंटियर बिल्कुल बनना चाहिए, उस वॉलंटियर ने इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, और मेरा परिवार तभी सुरक्षित रह सकता है उस वक्त जब वो घर से बाहर ना निकले, खुद को आइसोलेट रखें। कई तरीके हैं आपको अपने आप घर में बंद रखकर घर के साथ घर के अंदर ही एंटरटेन करने के, अच्छे वक्त आप अपने क्वालिटी समय आप परिवार के साथ में बिता सकते हैं। कुछ गाँव वालों का ऐसा भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कि अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा के तौर पे लोग मतलब वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ डाल रहे हैं, लोगों को आने नहीं दे रहे, लेकिन जिस प्रकार से हमने बात किया कि 150 लोग अगर उस ट्रक में एक साथ अगर सफ़र कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ कोई भी अगर सिम्टम्स मिल जाता था उससे, अगर वे अपने गाँव जाते तो लोग प्रभावित होते थे। फिर उन्हें सवाल ये आता कि फिर ये अंधश्रद्धा है या फिर ये एजुकेशन है, क्या कहना चाहोगे सर जी इस बारे में? सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला क्योंकि वो लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि उनकी सोच ये समझ की बात है, ये एजुकेशन की बात है। उनको ये लग रहा है कि आज मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनको आज लग रहा है कि मैं रोडों पे कुछ सुनसान नहीं था, पुलिस डंडे मार रही है, बाकी सब कुछ है, लेकिन पुलिस ने भी दिहाड़ी मजदूर को कॉपरेट करना चाहिए आज की कंडीशन। हाँ, उनको अगर वो बाहर के है, वो रोडों पे सोए है या कहीं है, वो देखो कि सही में लेबर है, मजदूर है, ऐसा है, वो जरूरतमंद को समझाओ और बैठा लो, उनको कोई कैंप में बैठा लो जी। यानी अभी भी मेरे ख्याल से इमरान बताया कि कलेक्टर ने दो चार कैंप वगैरह खोले जी, कैंपों में कुल 8-10 जगह पे कैंप खोले गए, बैठा लो उनको, डंडे मारने से डर पैदा हो गया, डर पैदा होने के चक्कर में वो कैसी भी कोई भी गली कूचे के रास्ते से गाँव भागना चाहते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट उनको वहाँ चीज कॉपरेट करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, डिपार्टमेंट उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दे रहा है, प्रशासन इस कामकाज पे लगा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि दिहाड़ी लोग ही रुकना नहीं चाहते हैं, लोग खुद ही पलायन करना चाहते हैं, जो कैंप में रखा गया वहां से भागना चाहते हैं, इस प्रकार की शिकायतें भी आई थी। मगर एक बात तो जैसे सर ने कहा है कि लोगों में एक घर जाने की जो एक बात जो लगी है, क्योंकि हर कोई अपने देश में जाना चाहता है, अपने घर में जाना चाहता है। थोड़ा सा बहुत डीपली गाँव में जाओ, बहुत डीपली गांव के अंदर में लोगों के, गांव के जो भी वहां के सरपंच बोलो या मुखिया बोलो, कई लोग अपने अपने गांव बंद करा दिए जी। अब इनको ये नहीं मालूम कि हम लोग यहाँ से 200 किलोमीटर जाके पैदल जा रहे हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दिए तो उधर से भी तकलीफ है जी। तो वो हमको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, वो कहने का कन्विंस करना पड़ेगा, और ये सच्चाई है कि बहुत से गांव बंद है। और ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि गांव के जो दिहाड़ी मजदूरों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन लोगों के पास में आज भी कम्युनिकेशन के साधन नहीं है गाँव में, और इनमें अगर मोबाइल कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी, ये अगर गाँव की बॉर्डर पर जाकर अगर अटक गए तो ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, उस सिचुएशन में छोटे बच्चे उनके साथ में रहने वाली महिलाओं के ऊपर में इस स्थिति का सचमुच बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। सर मेरा एक सवाल ये था, जो लोग कुछ मदद करना चाहते हैं किसी संस्थान के जरिए, वे तो सहभाग करना चाहते हैं, अपना कुछ कॉपरेशन देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ मिसयूज भी होने के आसार दिखाई देते हैं। देखो आज ही मेरी बात हुई है मिस्टर कोई वसीम में है मेरे, उनका मुहिम पर साइड में कंट्रोल है, आज कंट्रोलों में इतना राशन आ गया है कि वो 2-3 महीने का राशन गरीबों को दे रहे हैं जी, चाहे वो बीपीएल कार्ड वाले हो या गरीबों जिसके जो भी कंट्रोल का उपयोग करता है, उनको कार्ड इतना मिल रहा अनाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोगों ने उसका मिसयूज भी कर रहे हैं कि भैया आपसे भी मिल रहा ले ले रहे, उनसे भी मिल रहा ले रहे, उनसे भी मिल रहा, अब हर किसी को नहीं समझा सकते चीज के बारे में। तो उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? कर रहे हैं बहुत अच्छे डिपार्टमेंट भी, जो हर एरिया के PI लोग हैं या जो भी है वो लोग भी पता चल ही जाता है कि उनको भी लोग आखिर घूम फिर के थाने में ही आते हैं कि सर हमारे को तकलीफ है, इसलिए बाहर निकल रहे, हमारे को खाने को नहीं मिल रहा, तो वो जो भी संस्था में फ़ोन करके वहाँ से हेल्प लेके उनको पहुँचा रहे। ये काम पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और हमारे जो ग्रुप के दोस्त लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे जो कंपनी के साथ में लोग जुड़े हुए कई लोग हैं जी, वो इस आर संदेश करके एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं, अपने मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी हैं और रिंकू अग्रवाल है, और उनके साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए, अतुल भाई है और बाकी काफ़ी लोग जुड़े हैं, 250-300 लोग जुड़े हुए इसमें जी।
वो फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा अनाज वगैरह पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन वो भी सोच समझ के जहाँ ज़रूरत है ये है कि मिसयूज़ ना हो करके, क्योंकि ये लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो हम लोग को भी और आगे तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, जिस टाइप से पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ऐसा लग रहा। अगर पब्लिक आज भी सोच ले कि भैया 8 दिन हम घर से बाहर ही नहीं निकलना है तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। फाउंडेशन बहुत है, भवानी मंदिर भी, अपना भवानी मंदिर के भी, इससे भी वहाँ से 2500-3000 लोग रोज खाने बन रहा है, और ऐसे कई संस्था है जो फोन कर करके एक में कोई यार दोस्त को बोले भैया तेरे एरिया में कितने लोग है, कितने भूखे है, तो ऐसे सब ये लोग फैले ही है। और वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट तो पूरी जगह फैला है, हर थाना इंचार्ज हर जगह फैले है गली गली में, तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो कोई भूखा नहीं सो रहा है। सही बात है, बिल्कुल। एकाध दो होंगे जो शर्म रहे होंगे या बोलने को डरते होंगे तो बात अलग है जी। और इतना तो है कि एक आदमी को खाने को आपको कितना लगता है, अगर दाल चावल रोटी सब्जी भी खाता है तो 1000-2000 रुपये में उसका पूरा महीना चलता है। अभी ये चिकन मटन और बिरयानी खाने का टाइम नहीं है। नहीं है, सही बात, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जी जी, और यही और आपने सही कहा कि आज भी ये संजय जी आप और हम समाज की स्थिति देख रहे हैं, हम रस्तों पे गलियों पे घूम भी रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। हालांकि कुछ गैर सामाजिक तत्व बोलो या कुछ लोग उसका हाइप क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर, जहां जहां जरूरत है वहां पर संस्थाएं पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रहा है, बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी आह्वान कर रहा है कि जहां जहां पर जो आश्रय बनाए गए, निवारा स्टेशन बनाए गए, वहां वहां पर जो भी जरूरतमंद है वहां पर उसका फायदा जरूर ले सकते हैं। शिव भोजन थाली की अगर हम बात करें तो नागपुर में कई जगह पे शिव भोजन थाली जो है सरकार की तरफ से मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि कोरोना का जो बढ़ता जो प्रकोप है उसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो टोल की जो वसूली हुआ करती थी उसे बंद कर दिया गया है, ये इसका क्या क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप स्वागत करते हो कि क्या कहना चाहोगे? ऐसा है संजय जी कि ये जो टोल की हम बात कर रहे हैं, आज टोल का कोई ऐसा औपचारिकता नहीं रह गई है। वैसे भी आवागमन जो है वो ना के बराबर है, सिर्फ जीवन आवश्यक सामग्री का जो है उसका आदान प्रदान या चलन वलन हो रहा है, तो ये ठीक है उस उतने समय के लिए जो टोल फ्री किया गया है। आम जनता के लिए इसका ऐसा इस वक्त कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आम जनता को वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना है और टोल के रास्ते से जाना ही नहीं है। हाँ, बहुत अत्यंत आवश्यकता हो, जैसे एम्बुलेंस की हम बात करें, एम्बुलेंस को वैसे भी टोल नहीं लगता, और जहाँ पे ये जो जीवन आवश्यक वस्तु है उनका सिर्फ आवागमन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा जरूरत है तभी आम नागरिक उस टोल से गुजर रहा है, तो इस वक्त टोल का जो है इतना महत्व इस सिचुएशन में नहीं रह जाता। नहीं, भले टोल का इतना सिचुएशन में कोई महत्व नहीं, लेकिन राज्य सरकार के जो निर्देश दिए हैं PWD MSRDC को वो काफ़ी मायने रखते हैं, और टोल में जिस प्रकार से उन्होंने जो बंद करवा दिए वो तो काफी सराहनीय है, ऐसा कदम मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल सही है, आज की स्थिति में उतनी एक रियायत जो है व्यापारी वर्ग को आवागमन को हो जाती है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत के ही देखो हर अभी तो जब उद्धव ठाकरे जी ने बताए थे कि हर जिले को ब्लॉक कर दिया गया जी, नागपुर जिले से वर्धा जिला जाना है, वर्धा से भंडारा जाना है, भंडारा से गोंदिया जाना है, सभी को ब्लॉक किया गया है, जरूरत के सामान ही जारी है, प्राइवेट गाड़ियों को बहुत रोक दिया गया है, लेकिन कुछ है जिनके पास में डॉक्टर है या मीडिया वाले है या सोशल वर्कर है, उतने ही लोग आना जाना कर रहे हैं, बाकी सब लोग जगह स्थिति ब्लॉक है अभी, यानी कि आना आवक जावक चालू नहीं, आवक जावक वैसे भी चालू नहीं है। तो आज प्रायोरिटी संजय जी सिर्फ सबसे पहले ये है कि जान है तो जहान है, आज हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना है कि आने वाला समय हमारे साथ में कैसे रहेगा या क्या होगा, कल की स्थिति क्या होगी, इसके लिए आज का हमारा आज हमें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रशासन और सरकार के साथ में हर घर की हर व्यक्ति की वो जिम्मेदारी है कि वो अपने जिम्मेदारी का वहन करे। सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन और सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सब स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, लेकिन जितना नागरिकों का कोऑपरेशन रहेगा उतना बहुत अच्छा होगा आने वाली परिस्थिति को और देश को इस महामारी से बचाने के लिए। सर चलते चलते आप कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, मेरे जो भी हम लोग सामाजिक संस्था जो काम कर रही है तो हेल्थ ने भी उनकी चेक करना चाहिए कि ये लोग कोई लोग पॉलीथीन के अंदर ही इसमें दे रहे हैं खाना, कोई इसमें दे रहे हैं, तो ये सब डॉक्टरी के हिसाब से ठीक है कि क्या है? जो बांटने वाली भी 25 लोग, मैं कई वीडियो आ रहे 20 लोग एक गंज में से खाना निकाल के एक पॉलीथीन में डाल रहे हैं, लोगों को बांध के दे रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग ने इसको चेक करना चाहिए ठीक है कि गलत है। एक मुद्दा इसके साथ ब्रावर्स को चम्मच से यूज करे क्या, जैसा हैंड से यूज करना चाहिए वो हो रहा है क्या? नहीं तो पता चला कि देने वाले खुद ही इफेक्टेड रहा, वही गांव भर की बीमारी दूसरी तरफ फैला रहा, ये भी चीजों का इसमें भी ये सब करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ख्याल रखना होगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी कोई सामाजिक संस्था या कोई भी इंडिविजुअल
तौर पर भी अगर इन सब चीजों को इनिशिएटिव लेके कर रहा है तो क्या इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि के माध्यमों तक ले जाना भी जरूरी है? ये भी एक मुद्दा संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। जहाँ इसकी अगर हम बात करें कि हमने कितना साफ सुथरा रहना चाहिए, जिस प्रकार से सर ने जो बताया कि जो खाना जो बनाते हैं या जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं वो स्टेज में कैसे रहते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पूरा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्या, उनमें स्वच्छता रहती क्या, ये भी बातें काफ़ी मायने रखती है। लेकिन एक बात मैंने ये भी देखा कि कुछ ऐसी भी स्वयंसेवी संस्था है जो ये कामकाज जरूर करी लेकिन वे प्रसिद्धि चाहती है। ये बात कहीं ना कहीं एज ए पत्रकार के तौर पर ये थोड़ा सा छोटे छोटे सेल्फी के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, ये है थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट चीजें जो है डिपार्टमेंट ने कुछ संस्था को अनुमति देना चाहिए कि अब इस तरीके से जो पूरे रूल को फॉलो अप कर रहा है, जो सफाई का भी ध्यान दे रहा है, जो बड़े पैमाने पे जो काम कर रहा है, वास्ट काम कर रहा है, उनको देना चाहिए। एकदम बहुत ज्यादा कचरे के लोग ऐसे पॉलीथिन में दे दे रहे, कोई ये कर दे रहा, उस टाइप से थोड़ा सा मुझे। अब जब हम न्यूज बनाने जाते हैं, कोई अगर अंगूर बांटता है तो हमें बोलता है भैया हम अंगूर बांट रहे हैं, कोई बोलता है हम इडली सांभर, हाँ आप कीजिए, मगर लोग क्या प्रसिद्धि चाहते हैं, प्रसिद्धि भी होना चाहिए, उसकी कोई उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कामकाज को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देना चाहिए। जिस प्रकार अपने से ज्यादा चिंता सरकार को, सरकार के साथ कैसे खड़े हो, सरकार के साथ कैसे खड़े हो उस पर आप ध्यान दो। सरकार को अपने से ज्यादा चिंता है, उनकी जनता को बचाना उन्हीं का फर्ज है, तो वो अपने को उनके साथ में कांधे से कांधा मिला के रहना चाहिए। आज आज भी मैंने 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया हो जी, आज मैंने मुख्यमंत्री फंड में दिया हो, गुड, आज मैं शायद कलेक्टर के पास जाके आज शाम में या कल सुबह जाके उनको दूंगा, ये मेरा लगे तो आप चेक देख लो मेरा, आज ही मैंने चेक बनाया, मेरे पास टाइम नहीं मिला। लेकिन हम लोग भी आह्वान करके आप गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो, एकदम बहुत चीज़ उठा के अपन सेल्फी के बहुत से खर्चे अलग अलग तरीके से लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोग पूरे अभी एक ही चीज़ पे हम लोग खर्चा बना के नहीं रख सकते कि एक ही खर्चा लगेगा करके, तरीके अलग अलग खर्चे लगते हैं। सरकार के पास में जब ये फंड जाएगा तो सरकार इस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती है, किस वक्त किस जगह पे इस फंड को डाइवर्ट करना है, आप देख सकते हो। जी जी जी, हम चाहेंगे आप दर्शकों को ये जरूर दिखाएं। ये मेरे उधर कैबिन में रखा हुआ, जब आपको चेक दिखाते रहता मैं आज शाम में देगा। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो सिरा सर की तरफ से लिया गया है, मुख्यमंत्री सहायता निधि में कोरोनाग्रस्त लोगों की मदद के लिए 11 लाख रुपए का चेक जो है सिरा सर की तरफ से दिया जा रहा है। और भी जो लोग होंगे जो मुख्यमंत्री सहायता निधि में अगर हमारे, उसके अलावा भी हमारा संदेश फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सिस्टमेटिक, जो हमारे जो भैया है रामदेव जी अग्रवाल, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने पूरा फोन के ऊपर ही ऑपरेट करके बहुत अच्छे अच्छे जगह पे सबको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। वो गुड काम है, बिल्कुल बहुत तरीके से वो कहाँ जहाँ जरूरत है वहीं वो चीज़ पहुंच रही है, नहीं तो आज किसी चीज़ का हल्ला कर दो तो कल लोग 200 लोग लेने आ जाएंगे जिसको जरूरत भी नहीं। जो मेरे हिसाब से तो आज के घरों में सबके घरों में अनाज भरपूर है, सिर्फ अपने का थोड़ा सा दिक्कत है, जो बाहर के दिहाड़ी मजदूर है जो काम के लिए आए थे उनको थोड़ा सा कैंपों में रखना चाहिए, बच्चे एक सुविधा, बाकी मैक्सिमम लोगों के घर में तो है 5-7% लोग होंगे जिसके तकलीफ है करके, तो वो भी किसी डिपार्टमेंट के पास में प्रॉब्लम जारी है, वो तो हमारे संदेश फाउंडेशन को फोन कर रहा है और हम लोग उनको हेल्प कर दे रहे हैं उस चीज़ की। दर्शकों से भी ये निवेदन है कि अगर आपके नज़दीक में या आपके देखने में अगर कोई ऐसे जरूरतमंद दिखते हैं जिन तक मदद पहुंचाने जरूरी है तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जरूरतमंदों को उन ठिकानों तक जरूर पहुंचाएं। और आप हमारे साथ में इनबीसीएन न्यूज़ पर बने रहिए, ऐसे ही नागपुर से और देश से और विदेशों से जुड़ी कोरोना से जुड़ी सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें। घर में रहकर ही हम जो कर रहे हैं अपने आप को आइसोलेट रखें, ये भी एक प्रकार से देश सेवा ही हम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज सर, धन्यवाद संजय जी।